जी गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होप सारे घर पे बढ़िया होंगे, सभी अच्छे होंगे। और हमारे महादेव का बुलावा हमारे लिए आ चुका है, पूरी फैमिली के साथ हम जा रहे हैं उज्जैन और इंदौर महादेव के दर्शन करने के लिए। और बहुत टाइम के बाद हमारा एक पूरे फैमिली का ट्रिप बना आज, और जो कि हम सारे जा रहे हैं, हमारी टिकट सबकी बुक हो चुकी थी। और पूरी फैमिली जय श्री महाकाल। भाई नज़ारे आने वाले हैं, आपको बहुत दिनों से वेट था इस ट्रिप का, जो कि करीबन 2 महीने से पहले हमने टिकट बुक करा रखी थी सबके लिए। और पूरी फैमिली जा रही है, दिखाता हूँ कौन कौन जा रहा है हमारे साथ। यहाँ से चलते अंदर। सर हेलो करो। हेलो, चार पे सारे हेलो, ये सारे हेलो करो। यहाँ पर अभी हमारा चला था डिनर सबके साथ, क्योंकि पूरी फैमिली बड़े खाना खा रही है, सारे घर से खाना बनवा के लेके आए थे। और सबसे मेन चीज, हर एक चीज अभी अवेलेबल है हमारे पास। मीठा भी है भाई, घेवर भाई मीठा, सबके लिए मीठा भी लेकर आए स्पेशल। लो जी करीबन 8:30 बज चुके हैं और ट्रेन ने बिल्कुल टाइम पे उतारा हमें आज। और हमारे यहाँ पर जितने भी लोग थे सारे आ चुके हैं, रात को नींद भी पूरी कर ली, बैग वाला लेके चला गया बैग हमारे और हम यहाँ वेट करते रह गए भाई। ये हमारी सारी सारी जनता हमारे पीछे है भाई। अब आए कर रहे थे भाभी, सारे उज्जैन ने रूम बुक कराए थे अपने, और होटल का नाम है माय बजट। होटल माय बजट के नाम से हमने रूम बुक कराए थे यहाँ पे, और हमारा सबसे ऊपर बालकनी है, तब ओपन में हमारा रूम में मिला है। यहाँ पे दिखाता हूँ भाई कैसा है, मैं एंटर करा नहीं हूँ, देखते हैं कैसा है। ओ भाई साहब, अच्छा ये भी है, ये भी अच्छा भाई, सही है। ये तो बहुत बढ़िया है भाई, रूम का तो अच्छा है यार। ये बैग रखने का भी सारा सिस्टम है, सब कुछ है यहाँ पे, नाइस इंटीरियर वगैरह सब अच्छा है भाई, अच्छा रूम लिया मतलब हमने भाई। यहाँ से हम चलते हैं अब नीचे, बाकी रूम दिखाते हैं। चलो 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 भाई चलो। एक भाई तो देखा जाता है, एक छत पे रूम मिला अरे अच्छा है भाई, नीचे रूम तो और भी अच्छे हैं ऐसे, लेकिन हमें सबसे यूनिक रूम मिल गया है। ये हमारा दूसरा रूम, ये सारे हमारी माताओं का रूम है, वो सारा हमारी दीदियों का रूम है, ये रूम सेम ऐसा है, दीदियों का रूम हमारी दीदीस ये बैठे हैं हमारे घर वाले, एक ये सर अपने घर वाले फोन कर रहे हैं हमारे को, नीचे हमने फोन उठा लिया आगे नीचे। देसी मसाला, जिंजर टी, साथ में ब्रेड टोस्ट। अब फोन काटो यार, नहीं ब्रेड टोस्ट कुछ साथ में, कुछ डोसा डोसा, कुछ चाउमीन नूडल्स, इडली भैया मैं भैया ही बोलता हूँ, आधा तो भाई नहीं यहाँ पर, किसको बोलते हो आपको पता ही नहीं कि हमारे घर वाले ही बात कर रहे हैं, ऑर्डर दे जा रहे हैं भाई। अभी हम निकले हैं सुबह थोड़ा सा अरेंजमेंट करने के लिए, भस्म आरती के लिए। अरे रिक्शा पकड़ते हैं यार, हमने जाना है रात को, मतलब भस्म आरती होती है उज्जैन में, सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता वो जान लेना कि भस्म आरती के बारे में। ताकि भस्म आरती है मेन मानी जाती है, क्योंकि भस्म से श्रृंगार किया जाता है अपने महादेव का उज्जैन में। तो यहाँ पर क्या है कि अब हम जाएंगे मंदिर के बाद, थोड़ा देखेंगे आसपास की हमें कोई अरेंजमेंट हो सकता है भस्म आरती में देखने के लिए, क्योंकि सुबह 4:15 या 4:30 बजे के अराउंड होती है अर्ली मॉर्निंग, और उसके लिए हमें धोती कुर्ता डालना पड़ता है लड़कों को, और जो लेडीज़ होती है जितने भी उनको, फिर उनको डालना होता है साड़ी, उनको साड़ी में आना होता है, तो ऐसा होता है। अब पता करता है अगर हो जाता है अरेंजमेंट तो भाई हमारी किस्मत, नहीं हुआ तो भी हमारी किस्मत, ठीक है। तो यहाँ पहुँच चुके भी हम रिक्शा करके, देखते भी क्या रहता है आज का, कैसी हमारी किस्मत। पहले आ गए थे यहाँ पे भाई, आने नहीं हो उसके भाई, क्या कर रहे होंगे उनका? जी चलो करेंगे, वापसी भी आ जाएंगे, मार्केट में भस्म आरती तो हमारा जुगाड़ हो नहीं पाया, लेकिन हमारे यहाँ पे
कुर्ते लेने के लिए। तो ये जो कुर्ते का प्राइस है मैं एक एक दिन के लिए डालने हैं अजाज के लिए, तो हम ये ले रहे हैं 100-100 रुपए में यहाँ पे कुर्ते। सही मिल रहा है प्राइस तो। हमने 3-4 अपने कुर्ते यहाँ पे ले लिए जो डालने वाले हैं सभी। तैयार हो गए, आ चुके बाहर सारे और ये पूरी मंडली हमारी। करीबन हमने आधा घंटा वेट करा, हम सबकी भूख मर चुकी है आज। हमने वेट करा कि हमारे पास ऑटो आएगी या रिक्शा कुछ भी आएगी। हमने फोन करे इतने सारे लोगों को, कह रहे थे हमारे को कि भैया हम आ जाएंगे हम आ जाएंगे। तो करीब आधा पौना घंटा वेट करा, तब जाके हमारे पास ये इसको जो भी है मैजिक ये आई है हमारे पास और इसमें सारे बैठेंगे। पूरे तो शायद आएंगे नहीं, ऑटो भी करी साथ में हमने बुक। तो यहाँ से मंदिरों में जाना है, पहले कुछ खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया हमने, चिप्स वगैरह खाए थे छोटे मोटे बस। और टाइम हो चुका है यहाँ पे 12:30 भाई, 12:30 बज गए और कुछ नहीं खाया अभी तक। ऐसे ही चल रहा है, पकड़े यार क्या हो गया था। सारे मंदिर घूमने अभी हमने, ओए रब्बा। तो हमारी मंडली सारी बैठी है अंदर और यहाँ से निकल चुके आगे। आजा भाई, महाकाल महाकाल महाकाल। आ चुके हैं पे कुछ खाने के लिए, हमारा ब्रेकफास्ट करने और अब बच चुके 1:15। और पूरा आधा पौना घंटा घूमने के बाद हमें अच्छा कुछ खाने का मिल नहीं रहा था यहाँ पे, तो हमने क्या समोसा कचौड़ी वगैरह खा लेते। लेकिन जो हमने रिक्शा वगैरह कर रखे थे वो हमें यहाँ पर ले आए और यहाँ पे लाइट अभी जाके लाइट आई है, तो हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली यहाँ पे और पराठे ऑर्डर करे हमने। तो पराठा क्या सीन हमारा, देखो भाई हमने करे यहाँ पे आलू प्याज के पराठे और पनीर के पराठे और प्याज वाले। और क्या हुआ यहाँ पे सीन, ये देखो चीनी वाला पराठा जो कि बिना मसाले का, हमने बोला था चीनी डाल दी और ये मसाले वाला जो कि तीखा लगा। मसाले से भरपूर हुआ हमारे साथ ऐसा कि भाई हमने कहा कि यार हमें पराठे दे, अब उसने पराठे तो दे दिए लेकिन बहुत तीखे थे। अब इतने तीखे पराठे किसी से खाए नहीं जाते, मतलब भाई इतने सारे घर के सारे इतने तीखे खा नहीं सकते। तो हमने कहा भाई तीखा कम कर दे, तो उसने डाल दी चीनी अंदर। तो भाई चीनी वाला पराठा दे दिया उसने, अब उसको बोला वापस देखो क्या रहता है हमारे भाई। भाई खाना खुना खाने के बाद हम आ चुके हैं मेन मंदिर में से एक मंदिर में जो कि है काल भैरव का मंदिर है। तो भैरवनाथ का मंदिर है, यहाँ पे चलते हैं, दारू चढ़ती है यहाँ पे भैरवनाथ को। और भैरवनाथ के मंदिर जाना ही होता, जरूरी होता है। शोर शोर कितना है यहाँ पे, बहुत ज्यादा भाई, काम तो शुरू तो अब यहाँ पे करते दर्शन। लास्ट टाइम मैं आया था बहुत भीड़ थी अंदर बैरिकेडिंग में, बहुत ज्यादा भीड़ थी। यहाँ पे बहुत कम है, इधर जाना ऐसा लग रहा है खाली है यहाँ पे। ये रहा ठेका पीछे यहाँ पे भाई। हाँ जी सर, यहाँ पे ठेका है, लास्ट टाइम भी आए थे यहाँ पे हम। यहाँ पे दारू लेंगे जो कि अंदर मंदिर में, जो कि मंदिर है यहाँ पे चढ़ानी होती है। ये है मेन मंदिर अंदर यहाँ के काल भैरव का, और यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलेगा तुम्हें जो तुम्हें अंदर चढ़ाने के लिए चाहिए। तो अब ये रही हमारी मंडली और ठेके से आ चुके दारू, तो यहाँ से बोतल में ले ली है चढ़ाने के लिए अंदर, और ये अंदर जाएंगे सीधा भाई। ये हमारे ले लिया प्रसाद यहाँ पे चढ़ाने के लिए। मौसम भी अच्छा है और भीड़ भी कम है, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कई घंटे लगे थे मैं अंदर जाने में। तो भाई हम पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर के बिल्कुल बाहर, और यहाँ पे हमारे ये प्रसाद हमें चढ़ाने हैं अंदर। हमारे साथ के सारे ये मासी हमारे और माता हमारी यहाँ पे है। ज़्यादा टाइम लगे यहाँ पहुँचने, 10 से 15 मिनट भी लगे होंगे उसके से ना। यहाँ से एंटर करके हम यहाँ अंदर दर्शन कर कर आए, हमने देखे ही होंगे अभी। और यहाँ से हम आ चुके हैं अब शिव मंदिर की ओर। बोलो जय पापा की। तो भाई हमें मिला कछुआ छोटा सा, और यहाँ मंदिर में हम आए थे जहाँ पर पहले भी एक बार आया था। स्कूल है भगवान कृष्ण और सुदामा जी का स्कूल है, यहाँ पे पढ़ाई करी थी उन्होंने। देखो भाई कछुआ। तो भाई हम पूरे भीग चुके हैं, बारिश में पूरे गीले हो चुके हैं यहाँ पे हम। ये देखो भाई बारिश आ रही बहुत तेज। सिर्फ 2 सेकंड का फर्क था और हम यहाँ पे भागे भागे आए हैं, और भाई बारिश बहुत तेज आ गई थी। ये देखो भाई
तो भाई यहाँ बाहर तो बारिश आ रही थी, अभी देख लिया होगा, यह है गणेश जी का मंदिर। यहाँ पे हमने दर्शन करे उनके और यहाँ पर आए हम गाय को चारा डालने के लिए। और यही रही गौ माता, चारा डालेंगे और फिर हम चलेंगे आगे। बारिश होते जा रही, तो हमारी बाकी पलटन बाहर रुकी हुई है क्या गेट पे, और सबने दर्शन कर लिया। अब यहाँ से चारा डाल के हम भी निकल जाएंगे बाहर। भाई ये रही, तो भाई हम रूम में तो आ चुके वापस अपने, और हम लेकर आए यहाँ पे समोसे और कचौड़ी सबके लिए। सब भूख बहुत लग रही थी, तो बाकी सारे तो पहले आ गए थे, हम आया बाद में। बाकी सारे रूम में सारे सो रहे, रेस्ट कर रहे, थक गए सारे के सारे, है ना। तो भाई हमने एक कचौड़ियाँ ले लिया उनके लिए, ठीक है। बाकी आधे लोगों ने तो खा लिया, मैंने भी खा लिया, बहुत तीखी है, बहुत ज्यादा तीखी है। अब ये तीखा ना अपने घर वालों को खिलाते हैं, जो बाकी बच्चे हैं उनको खिलाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी है खाओ, उनको खिलाते हैं। भाई देखते क्या रहते हैं उनका रिएक्शन। चलो भाई कचौड़ी आ चुकी है, यहाँ पे बाहर बिजली कड़क रही है और हम अंदर यहाँ रूम में बैठे आराम सारे, और यहाँ कचौड़ी समोसे लेकर आए थे। सबसे बढ़िया कचौड़ी, समोसा भी अच्छा, समोसा थोड़ा मीठा मीठा था लेकिन ठंडा हो गया, ठीक है। कचौड़ी अच्छी है, ये देखो यहाँ पे क्या चल रहा, चटनी पी जा रही है, अभी पैक बनाया जाए। चटनी पूरी ऐसी पीने का इरादा है। और ये हमारी लड़की छोटी सी, ए इधर इधर इसमें हेलो करो इधर, वेरी गुड, बहुत टेस्टी थी। समोसा थोड़ा मीठा था, हम खा चुके पहले नीचे ही। मेरा तो वर्क है, मैं तो कुछ नहीं खा रहा। थोड़ी अच्छी है भैया का रिस्पांस ले ले, अच्छा टेस्टी भाई। मसाला से डाल रहा था वो भर के, कैमरे करके अच्छी है, बाद में बाकी सारी बातें बताऊंगा। थोड़ी तीखी है, इसलिए तीखी है लेकिन अच्छी है, बड़ी अच्छी है। भैया को पूरी चटनी दी है, चटनी बहुत तीखी है, कचौड़ी तो तीखी है कि थोड़ा तीखा रहेगा, पता था हमको तीखा है, लेकिन हम इसके लिए साथ में कुछ मीठा लेकर आए हैं इसमें, ठीक है। तो उसका सबका हो जाएगा। वैसे तो नीचे मिठाई भी पड़ी है और बिस्किट्स वगैरह मीठे पड़े हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा सबका। चाय का वेट हो रहा है, बस यहाँ पे चाय नहीं आ रही है, पानी गिलास भर चुके हैं यहाँ पे, दीदी के धुएं निकल गए यहाँ पे, बस लो पानी पकड़ो, ये पानी पे गिलास भरे जा रहे हैं, तीखा लग रहा है इनको। मैं कह रहा हूँ तीखा है, खाली करे खा रही है उसको, तू चाय भूज मिट्टी उसको क्या पानी तो भाई हम कुछ देर रेस्ट करने के बाद आ चुके हैं बाहर फिर से, और अभी जा रहे हैं अपने महादेव के मंदिर, जो कि मेन अपने महादेव के लिए यही उज्जैन आए थे। तो एक उज्जैन का महादेव का मंदिर है हमारा, और एक हमें काल भैरव का मंदिर है, जो कि काल भैरव हम ऑलरेडी होके आ चुके हैं, अपने महादेव के मंदिर जा रहे हैं हम। तो महाकालेश्वर जा रहे हैं, महाकालेश्वर जी के दर्शन करेंगे यहाँ से, और फिर देखते हैं कैसा क्या खाते पीते हैं, कैसे आते हैं वापस, मज़ा आने वाला है। निकले रिक्शा, तीन चार रिक्शा हो गई हमारी, तो यहाँ पे हमारी पलटन सारी आ रही है होटल से बाहर, और इससे पकड़े हम सारे पहुँच जाएंगे अपना मंदिर। और रही भस्म आरती की बात, तो भस्म आरती का हमारा प्लान था, इसमें चार पांच लोगों का भस्म आरती का हमारा प्लान हो चुका है कन्फर्म, और बाकी का नहीं हो पाया, क्योंकि इतना आसान नहीं है भस्म आरती के लिए भाई टिकट्स वगैरह मिलना जो भी है। तो चार पाँच लोग हमारे इनमें से जाएंगे, जिसमें मैं नहीं हूँ, मैं मेरी किस्मत में नहीं था, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे भस्म आरती जरूर, और इस टाइम जो भी हमारे फैमिली में जा रहे हैं उनके लिए भस्म आरती होगी, लेकिन हम रात को देखेंगे भस्म आरती का सारा जो भी होगा, दिखाएंगे भी कैसा भी होगा। तो भाई महादेव का जो चंदन हमारे, जो हमारे जिसकी कमी थी वो पूरी कर दी, सभी चंदन लगवा लें यहाँ पे हर किसी ने। अब आया हम अपने महाकालेश्वर मंदिर महादेव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि रात का टाइम भीड़ होती है कम, इसलिए हम रात का टाइम आए हैं। महादेव के पास होंगे कुछ देर के अंदर बस। भाई साहब एंट्री, यहाँ से एंट्री, महादेव के दर्शन कर चुके हैं भाई, क्या मजा आया, अच्छे दर्शन हुए,
नॉर्मली भीड़ में क्या होता है ना कि तुम्हें 5-6 सेकंड के देखना पड़ता है, देख सकते हो बस तुम 5-6 सेकंड के लिए अपने भगा देते आगे, लेकिन आज तुम्हें देखा आराम से भाई, इस टाइम आओ और अच्छे दर्शन कर सकते हो इस टाइम आगे भाई। बस दोबारा माता पिता ऊपर से दर्शन करते, अभी यहाँ नीचे दर्शन करेंगे मेन। यहाँ पे कैमरे में वीडियो बना नहीं पाऊंगा मैं, मुश्किल है काम क्योंकि गार्ड वगैरह खड़े हैं, तो सिक्योरिटी सेफ्टी जरूरी है भाई। यहाँ से हमने एग्जिट कर दिए और ये रहा मेन मंदिर, आ चुके हैं भाई। यहाँ मंदिर पे दर्शन करें, ये मेन मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करें, यहाँ बहुत सारे लोगों ने फोटोज देखी होगी हमारी भी, और यहाँ पे दर्शन करके हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे शयन आरती में मिल जाए। तो शयन आरती का हमें अंदाजा है कि यहाँ भाई 10-11 बजे के 10-10:30 बजे के अराउंड होती है, तो ये आ गए हम शयन आरती के लिए दर्शन करने के लिए दोबारा आरती के, और टाइम हो गया 10। शयन आरती बहुत बहुत ज्यादा मान जानी आरती है। हमने यहाँ पे ले लिया रबड़ी पहले, बाकी हमारा खाना वगैरह पैक हो रहा, तो रबड़ी यहाँ पे देखने में अच्छी थी, भीड़ी बहुत थी, तो रबड़ी ले ली भाई हमने आके यहाँ पे। अंकल को दुकान पे दुकान देख लो भाई, दूध वगैरह सब है, बढ़िया लग रहा है देखने में, तो ये खाते हैं अब भाई। फाइनली हम दर्शन करके आरती करके बाहर आ चुके हैं, और सारे घर वाले चले जा चुके हैं घर अपने, यानी कि अपने रूम पे जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आरती अटेंड करी, उनके बच्चे साथ थे, उनको भूख लग रही थी, तो वो सारे चले गए पहले ही, और हम आगे उनके बाद अब खाने। टाइम हो रहा है यहाँ पे 11:15, और कुछ खाएंगे, यहाँ की पूरी मार्केट है पीछे मंदिर के बाहर ही सारी, और इस टाइम यहाँ पे खाने का बहुत अच्छा मिलता है, तो हम सोचा कुछ यहाँ पे डोसा वगैरह पैक करवा के इसी तरह रूम पे ले जाते हैं, मजा खाएंगे आराम से, और बस थोड़ी बातें करते करेंगे और सो जाएंगे। तो डोसा वगैरह चाउमीन वगैरह थोड़ी बहुत पैक कराई है मैंने अभी, देखते बाकी और क्या अच्छा मिलता है, मीठा वगैरह नमकीन जो भी अच्छा लगेगा वो पैक करा के निकल लेंगे, ठीक है।